नमस्कार मैं डॉक्टर नमिता वर्मा एकेडमिक कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी हमारा आज का विषय है आर्थिक विकास में बाधाएं मुख्यतः अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास में बाधाओं के, के दो मुख्य कारण होते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स आज हम इन्हीं दोनों कारणों पे विस्तार से, से चर्चा।, चर्चा करेंगे तो आइए सबसे पहले बात करते हैं गैर आर्थिक बाधाओं की यानी नॉन इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स की गैर आर्थिक तत्वों को राजनीतिक सामाजिक व सांस्कृतिक वर्गों में रखा जाता है सबसे पहला कारण है राजनीतिक कारण राजनीतिक दृष्टि से अल्प विकसित देशों को राजनीतिक पराधीनता इनके पिछड़ेपन का मुख्य कारण माना जाता है एशिया तथा अफ्रीका महादेव के अधिकांश अल्प विकसित देशों को अपने विगत इतिहास के दौरान पराधीनता के दौर से गुजरना पड़ा है विदेशी शासकों का स्वार्थ इन देशों में प्रशासन को बनाए रखना व धन व संपत्ति का शोषण करना था न कि आर्थिक विकास के तत्वों को गति प्रदान करना इतना ही नहीं इन देशों के स्थानीय शासकों की उदासीनता के कारण भी इनकी निर्धनता में वृद्धि हुई है राजनीतिक पराधीनता अकुशल शासन घरेलू युद्ध तथा स्वतंत्रता आंदोलन आदि अल्प विकसित आर्थिक विकास के मार्ग में मुख्य भूमिकाएं निभाते रहे हैं। दूसरा तत्व है सामाजिक कारण, यानी सोशल फैक्टर्स विश्व के आर्थिक इतिहास का अध्ययन करने पर पता चलता है कि विभिन्न देशों के आर्थिक विकास पर सामाजिक तत्वों का भी एक विशेष प्रभाव रहा है सामाजिक तत्वों के अंतर्गत मुख्यतः जाति प्रथा संयुक्त परिवार प्रणाली तथा उत्तराधिकार के दोषपूर्ण नियमों को सम्मिलित किया जाता है अधिकांश पिछड़े देशों की आर्थिक जड़ता का मुख्य कारण वास्तव में ये सामाजिक तत्व ही रहे हैं जाति प्रथा एवं छुआछूत के कारण जहां लोगों में पारस्परिक संबंधों का अभाव तथा साधनों की गतिशीलता में कमी हुई है वहां उसके विपरीत संयुक्त प्रणाली तथा उत्तराधिकार के नियमों ने व्यावसायिक जोखिम व उद्यमशीलता की क्षमता को भी कम किया है तीसरा कारण है सांस्कृतिक कारण अल्प विकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या अंधविश्वासी भाग्यवादी तथा पुरातन पंथी होती है क्योंकि इन पर धार्मिक व आध्यात्मिक विचारों का बहुत गहरा प्रभाव होता है भाग्यवादी होने के कारण ये लोग विकास के लिए प्रयत्न व प्रयास नहीं करते और निर्धनता को ईश्वरी देन समझते हैं अल्प विकसित देशों में लोग अधिकांशतः अशिक्षित अज्ञानी अंधविश्वासी तथा भाग्यवादी होते हैं इस प्रकार के देशों में निर्धनता महासागर की गहराई की भांति अथाह होती है परंतु यह ईश्वर की देन समझी जाती है क्योंकि यह पूर्व निर्धारित होती है इससे अपने परिश्रम व उद्योगों के अभाव से कभी भी संबद्ध नहीं किया जाता अल्पविकसित देशों में लोग अशिक्षित व रूढ़िवादी होने के कारण नव प्रवर्तनों द्वारा निर्मित विकास के नए मूल्यों को स्वीकार करना पसंद नहीं करते हैं प्रोफेसर हैंसन ने भारत के संबंध में विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि भारत में कृषि कार्य अधिकतर रीति रिवाजों व परंपराओं द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं कृषक क्रमी हत्या इंसेक्टिसाइड के विरोधी हैं क्योंकि जीव हत्या घोर पाप है वे लोग नए तथा सुधरी किस्मों के बीज को संदेह की दृष्टि से देखते हैं इनका प्रयोग एक जुआ है उर्वरकों का प्रयोग वास्तव में एक जोखिम है इन बिना परखी हुई विधियों के प्रयोग की जोखिम उठाना असफलता के समान है और इस असफलता का दूसरा नाम भुखमरी है आइए अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स यानी आर्थिक बाधाओं की प्रोफेसर मायर एवं बाल्डविन ने अल्प विकसित देशों के आर्थिक पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी आर्थिक कारणों को मुख्यतः चार भागों में विभाजित किया है सबसे पहला है बाजार की अपूर्णताएं यानी मार्केट इंपरफेक्शंस अल्प विकसित देशों में बाजार की अपूर्णताएं अनेक रूपों में दृष्टिगोचर होती हैं उदाहरणतः उत्पत्ति के साधनों की अगतिशीलता बाजार दशाओं का कम ज्ञान दृढ़ सामाजिक ढांचा विशिष्टीकरण एवं प्रमापीकरण का अभाव तथा अविकसित तकनीक बाजार अपूर्णताओं के विद्यमान होने पर सबसे बड़ी कठिनाई यह होती है कि उत्पत्ति के साधनों का समुचित वितरण तथा सर्वोत्तम ढंग से उपयोग नहीं हो पाता है जिससे इन देशों में वास्तविक उत्पादन पोटेंशियल प्रोडक्शन से नीचे ही रह जाता है श्रम शक्ति की अगतिशीलता और उसका कुशलता के साथ उपयोग न होने के कारण बेरोजगारी बढ़ने लगती है श्रमिकों की उत्पादकता में ह्रास होता है सामाजिक व सांस्कृतिक बाधाओं के कारण श्रम व पूंजी की कुशलता के साथ वितरण नहीं हो पाता जिसके फलस्वरूप एक तरफ पूंजी की सीमांत दक्षता गिरने लगती है तो दूसरी ओर आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है इन सब घटकों का एक सम्मिलित प्रभाव यह भी होता है कि इन देशों में बाजार अत्यंत सीमित बने रहे और यह देश की अपनी उत्पादन सीमाओं पर पहुंच ही नहीं पाते अब हम दूसरे कारण पे चलते हैं जो कि है विशेले व्रत यानी विशेष सर्कल्स विशैले व्रतों से अभिप्राय अल्प विकसित देशों के विकास में पाई जाने वाली उन समस्याओं व बाधाओं से होता है जो इन देशों की निर्धनता के कारण व परिणाम के रूप में वृत्ताकार आधार पर घटित होती रहती है पिछड़े हुए देशों में विभिन्न बाधाओं के ऐसे वृत्ताकार संबंध निर्मित हो जाते हैं जो एक दूसरे पर क्रिया व प्रतिक्रिया करते हुए विकास के निम्न स्तर को और अधिक नीचे रहते हैं डॉक्टर बेंजामिन का इस संबंध में कहना है कि विकास का मार्ग विशैले व्रतों से अवरुद्ध हो चुका है विभिन्न प्रकार के विषैले व्रतों में सबसे अधिक प्रभावशाली विशैला व्रत प्रोफेसर रागनर नर्से का निर्धनता का दुष्चक्र विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी है जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि एक देश इसलिए निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम व्रत की यह आधारभूत व्रत इस मान्यता पर आधारित है कि अल्प विकसित देशों में पूंजी के अभाव बाजार अपूर्णताएं आर्थिक पिछड़ापन तथा अल्प विकास के कारण कुल उत्पादकता कम होती है निम्न उत्पादकता का अर्थ निम्न वास्तविक आय से लिया जाता है वास्तविक आय के कम होने पर बचतें कम होती हैं। बचतों का निम्न स्तर विनियोग की दर को घटाता है जिससे पूंजी की कमी होने लगती है पूंजी की कमी होने पर उत्पादकता का स्तर गिरने लगता है और इस प्रकार यह विशैला व्रत अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है दूसरा वृत्त है वास्तविक आय के कम होने पर वस्तुओं की मांग में कमी होती है जिससे उत्पादन कम हो जाता है उत्पादन की मांग कम होने पर विनियोग की प्रेरणाएं भी कम हो जाती हैं, जिससे पूंजी में होने वाली कमी के फलस्वरूप उत्पादकता का बात है कि वास्तविक आय का निम्न स्तर के निम्न स्तर के कारण वह परिणाम दोनों है वास्तविक आय के निम्न स्तर का प्रभाव एक तरफ वस्तुओं की मांग पर पड़ता है तो दूसरी ओर लोगों के द्वारा की जाने वाली बचतों पर पड़ता है परंतु अंततः ये दोनों सूत्र एक ही बिंदु पर आकर मिल जाते हैं अब अगर हम तीसरे व्रत की बात करें तो विषैले व्रत का तीसरा स्वरूप मानवी तथा प्राकृतिक स्रोतों के अल्प शोषण पर आधारित है प्राकृतिक साधनों का विकास एवं शोषण बहुत कुछ सीमा तक मानवीय साधनों के गुणों व उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है आर्थिक दृष्टि से लोग जितने अधिक पिछड़े हुए होंगे प्राकृतिक साधनों का उतना ही कम विकास होगा अगर लोग पिछड़े हुए हैं अशिक्षित हैं उनमें तकनीकी ज्ञान तथा उद्यमशीलता का अभाव है तो प्राकृतिक साधनों का निश्चित रूप से अल्प उपयोग यानी अंडर यूटिलाइजेशन होगा व दुरुपयोग भी होगा अल्प विकसित प्राकृतिक साधन लोगों के पिछड़ेपन का कारण व परिणाम दोनों ही हैं तीसरा कारण है पूजी निर्माण की निम्न दर लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन पूंजी की कमी आर्थिक विकास की सबसे बड़ी बाधा है और यह कमी निर्धनता के दुष्चक्रों का परिणाम है अब प्रश्न यह उठता है कि इन देशों में पूंजी की कमी क्यों है इसके तीन प्रमुख कारण हैं। पहला इन देशों में व्याप्त असीम दरिद्रता पूंजी निर्माण की निम्न दर का कारण व परिणाम दोनों ही है दरिद्रता के फलस्वरूप उत्पादन के पुराने तरीके कृषि पर अधिक निर्भरता अशिक्षा और साधनों की कम गतिशीलता सीमांत उत्पादकता को नीचे बनाए रखती है जिससे वास्तविक आय बचत निवेश और पूंजी निर्माण की दर के स्तर को कम किया जाता है सरल शब्दों में आय का नीचा स्तर बचत व निवेश को कम करने के लिए उत्तरदायी होता है दूसरा बचते केवल आई स्तूप के शिखर तीन से पांच प्रतिशत तक के लोगों द्वारा ही की जाती हैं, जो प्रायः स्वर्ण आभूषण कीमती पत्थर भूमि जागीर आदि अनुत्पादक दिशाओं में स्वाहा हो जाती है इसके अलावा एक तरफ प्रदर्शनकारी प्रभाव और दूसरी तरफ बैंकिंग सुविधाओं का अभाव भी है तीसरा इन देशों में निवेश की प्रेरणा भी कम होती है जिनके प्रमुख कारण निम्न हैं पहला नवप्रवर्तन की भावना ही न होना घरेलू बाजार का सीमित आकार होना पूंजी बाजार का अभाव होना साधन गतिशीलता और कुशल श्रम के अभाव में उच्च उत्पादकता लागत से संभावित निवेश का रुक जाना आर्थिक संरचना की अपर्याप्तता से निवेश की कम प्रेरणा मिलना तथा उद्यमी योग्यता का पर्याप्त रूप में उपलब्ध ना होना अब बात करते हैं चौथे कारण की जो है अंतरराष्ट्रीय शक्तियां प्रसिद्ध विकासवादी अर्थशास्त्रियों जैसे लुएस मेडाल सिंगर आदि का मत है कि विदेशी व्यापार तथा विनियोग से भी देशों का शोषण हुआ है विश्व जगत में कुछ असमानता जनक शक्तियों के उदय होने के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अधिकांश भाग विकसित देशों को प्राप्त हुआ है जबकि पिछड़े हुए देश इन लाभों से वंचित बने रहे हैं मायर और बाल्विन के अनुसार प्रतिकूल अंतरराष्ट्रीय वातावरण अल्प विकसित देशों के लिए तीन तरीके से अहितकर सिद्ध हुआ है पहला है इकोनॉमिक्स यानी द्वैत अर्थव्यवस्थाएं विश्व के के बाजारों संपर्क में आने के फलस्वरूप पिछड़े हुए देशों के निर्यात व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई है जिससे उनकी अर्थव्यवस्था निर्यातक क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र में बढ़ गई है परंतु इस निर्यात वृद्धि का एक दुष्परिणाम यह भी हुआ है कि निर्यातक क्षेत्र का तो विकास हुआ लेकिन अन्य क्षेत्रों का विकास नहीं हो सका अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय साधन चलनशीलता की अंतर्राष्ट्रीय साधन चलनशीलता से अभिप्राय यह है कि इन देशों में होने वाले विदेशी विनियोगों का आर्थिक प्रभाव सर्वथा प्रतिकूल रहा है विदेशी विनियोग अधिकतर निर्यातक उद्योगों में ही किए गए हैं जबकि अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण उद्योग अछूते ही बने रहे फलस्वरूप आधारभूत उद्योगों की उत्पादकता वास्तविक आय तथा जीवन निर्वाह के स्तर में वृद्धि नहीं हो सकी अगर बात करें व्यापारिक शर्तों की तो पिछड़े वे देशों के लिए विदेशी व्यापार की शर्तें न केवल अलाभप्रद रही हैं, बल्कि वे निरंतर खराब होती जा रही हैं। प्रोफेसर मायर व बाल्डविन का कहना है कि जब तक ये बाधाएं विद्यमान रहेंगी और एक दूसरे को सशक्त करती रहेंगी तब तक निर्धन देशों का विकास संभव न हो सकेगा और निर्धनता का साम्राज्य बना ही रहेगा आर्थिक व गैर आर्थिक बाधाओं के अलावा भी अन्य बाधाएं होती हैं जिनमें सबसे पहला है उद्यमशीलता व प्रबंधकीय योग्यता का अभाव लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड मनीजीरियल स्किल्स शुमपीटर महोदय का मत है कि किसी देश का आर्थिक विकास मुख्य रूप से इनोवेटर्स तथा उद्यमियों पर निर्भर करता है आज अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों का आर्थिक विकास बहुत कुछ सीमा तक उनके उद्यमों की जोखिम उठाने की क्षमता व सूझबूझ पर ही आधारित रहा है दुर्भाग्यवश देश इस दृष्टि से सदैव से ही अभावग्रस्त रहे हैं नव प्रवर्तकों एवं उद्यमियों के अभाव में ये देश न तो विकास के लिए प्रयत्नशील ही हो सके और न ही इन्हें आर्थिक उत्प्रेरणाएं ही मिल सकी विकास के लिए वांछित दशाओं के न होने पर परंपरागत विधियों एवं मान्यताओं के अपनाए रखना इन देशों की एक दिनचर्या बनी रही और इससे ऊपर उठकर सोचना न तो इसके लिए संभव था और न ही सामर्थ्यपूर्ण इन सब का परिणाम यह हुआ कि ये देश विकास की दौड़ में चाहे अनचाहे पिछड़ते ही चले गए आधारभूत संरचना से हमारा अभिप्राय परिवहन एवं संचार शक्ति पानी विद्युत जल तथा आवास आदि से है जिनके आधार पर किसी देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की नींव रखी जाती है अधिकांश अल्प विकसित देशों में संरचनात्मक सुविधाओं का पूर्णता अभाव पाया जाता है, क्योंकि इनको विकसित करने के लिए विशाल मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है जो इन देशों की सबसे बड़ी समस्या है इतना ही नहीं आधारभूत संरचना के निर्माण व पूंजी बाजार को विकसित करने के लिए शुरू शुरू में बैंक बीमा स्कंद तथा उपज विपणन जैसी संस्थाओं का भी अभाव बना रहता है जिसके परिणाम स्वरूप इन देशों के तीव्र विकास को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है अब बात करते हैं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों पर अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास के उपायों को हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं पहला घरेलू दूसरा अंतर्राष्ट्रीय उपाय पहले हम घरेलू उपायों की बात करें सबसे पहला है आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किसी भी देश के आर्थिक विकास की नींव आर्थिक संरचना अर्थात यातायात एवं संवाद वाहन के साधन शक्ति शिक्षा सिंचाई जैसे साधनों पर रखी जा सकती है इसलिए इनका जितना जल्दी हो सके विकास किया जाना चाहिए दूसरा है साहसिक योग्यता का विकास तीव्र आर्थिक विकास के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण के साथ साथ देश में साहसिक योग्यता अर्थात उद्यमशीलता का विकास किया जाना आवश्यक है जब तक जोखिम उठाने वाले वर्ग देश में उपलब्ध नहीं होंगे तब तक पूंजी का निर्माण बड़ी मात्रा में पूंजीगत विनियोग और भारी उद्योगों की स्थापना न हो सकेगी उद्यमशीलता के विकास के लिए सामान्य व तकनीकी शिक्षा के साथ साथ औद्योगिक प्रबंध एवं प्रशासन संबंधी शिक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए तीसरा है पूंजी निर्माण को बढ़ावा आर्थिक विकास का दूसरा नाम पूंजी निर्माण है अतः नई पूंजी निर्माण के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि बचतों को बढ़ावा दिया जाए कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाए अदृश्य बेरोजगारी को कम करके राष्ट्रीय आय को बढ़ाया जा सके पूंजी और मुद्रा बाजार का विकास किया जा सके विदेशी पूंजी की सहायता प्राप्त की जा सके चौथा है श्रम संबंधी सुधार औद्योगिकरण की गति में तीव्रता लाने के लिए यह भी आवश्यक है कि श्रम संबंधी समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जाए उदाहरण के तौर पर श्रमिकों को शिक्षा व प्रशिक्षण देना उनमें गतिशीलता लाना भर्ती की पद्धतियों में सुधार करना रोजगार दफ्तरों की व्यवस्था करना तथा औद्योगिक संबंधों को ठीक ढंग से बनाए रखने में सभी प्रयास किए जाने चाहिए ताकि श्रमिकों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि हो सके पांचवा है कच्चे माल एवं प्राकृतिक स्रोतों का सर्वेक्षण का व द्वारा प्राकृतिक स्रोतों का गलत अथवा सही ढंग से सर्वेक्षण एवं उपयोग करना रहा है अतः इस दृष्टि से यह भी आवश्यक हो जाता है कि प्राकृतिक स्रोतों का सरकारी स्तर पर सर्वेक्षण किया जाए तथा कच्ची सामग्री की किस्म में सुधार किया जाए ताकि इन साधनों के अभाव में देश के आर्थिक विकास अवरुद्ध ना होने पाए छठा है तकनीकी विकास आर्थिक एवं औद्योगिक विकास विशेष रूप से तकनीकी विकास पर निर्भर करता है परंपरागत उत्पादन प्रणालियों पर आधारित रहते हुए कोई भी देश आज अपने को विकसित नहीं कर सकता इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि देश में तकनीकी विकास को बल प्रदान किया जाए उत्पादन की नई रीतियों को ग्रहण किया जाए उद्योगों में विवेकीकरण आधुनिकीकरण वैज्ञानिक प्रबंधन प्रमापीकरण मशीनीकरण तथा विशिष्टीकरण जैसी नीतियों को अपनाया जाए ताकि औद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि हो सके सातवा है उपयुक्त सरकारी नीतियां आर्थिक विकास में उपयुक्त सभी उपाय तब तक कारगर साबित नहीं हो सकते हैं जब तक सरकारी नीतियों का निर्माण एक उपयुक्त एवं समुचित आधार पर न किया जाए सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निर्धारित की गई सुदृढ़ एवं प्रेरक नीतियां ही वास्तव में आर्थिक एवं औद्योगिक विकास को गति प्रदान करती हैं। अतः सरकार को अपनी प्रकुशल नीति मौद्रिक नीति तटकर नीति विदेशी व्यापार संबंधी नीति तथा आर्थिक एवं औद्योगिक नीति को बहुत ही संतुलित ढंग से तैयार करना चाहिए जिससे कि उद्योगों के विकास एवं विस्तार को निरंतर बल मिलता रहे विकास की प्रारंभिक अवस्था में घरेलू उपायों के अलावा निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय प्रयास भी अपेक्षित हैं पहला अल्प विकसित देशों में पूंजीगत साधनों का अभाव होता है इसलिए विदेशी पूंजी एवं सहकार्य फॉरेन कैपिटल एंड कोलेबरेशन को प्रोत्साहन करना चाहिए दूसरी बात पूंजी के साथ साथ विकसित तकनीक आदि के आयात की भी व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि विकसित तकनीक आधुनिक औद्योगिकीकरण की, की आधारशिला है विकसित देशों को भी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए पिछड़े हुए देशों को अधिक से अधिक पूंजीगत एवं तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए तीसरा, पिछड़े को चाहिए कि वे अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अधिकाधिक वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्राप्त करें इन संगठनों से सहायता प्राप्त करने में ऋणी देश की आर्थिक एवं राजनीतिक नीति विदेशी दबावों से मुक्त रहती है हाँ इन संगठनों को भी चाहिए कि वे पिछड़े देशों को सुलभ शर्तों पर अधिक से अधिक सहायता प्रदान करें चौथा है विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया जाए परंतु यह तभी संभव है जब विकसित देश इस संबंध में उदार नीति का पालन करें अन्यथा विदेशी व्यापार पिछड़े हुए देशों के लिए अनार्थिक सिद्ध होगा मुझे पूरा विश्वास है कि आज की हमारी इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए होंगे धन्यवाद